अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट एंड क्राफ्ट विद मदीहा। तो आज जनाब हम अपने स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए हैं पैटर्न फ्लावर्स फॉर बिगनर्स, ठीक है, जिनको फ्लावर्स ड्रॉ करने नहीं आता, जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं क्लास 1 और 2, उनके लिए मैं फ्लावर्स आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। अच्छा, मेरे साथ आप लोगों ने फॉलो करना है कि उसको मैं किस तरह से शेडिंग दूंगी। आज बेसिकली मुझे वर्क करवाना है शेडिंग का ना। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्लिप मिस्टेक्स करते हैं, तो उनके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि किस तरह से शेडिंग स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आने पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल। आपको पता है कि इतनी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, जब मैं इतने टाइम बाद वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। पेपर्स, स्कूल सिलेबस, घर के काम, बाहर के काम, स्कूल, ये वो, बहुत आदमी छड़ में। बहरहाल, कहने का ये मकसद है कि वीडियो बनाने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैं वीडियोस बहुत कम बनाती हूँ। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर देखिएगा। चलिए जी, अब मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। फ्लावर्स को आपने इसी पैटर्न के साथ बनाया, सिर्फ बिगनर्स के लिए, ठीक है। ये मैं एडवांस नहीं सिखा रही हूँ, बिगनर्स जो छोटे बच्चे हैं उन लोगों को सिखा रही हूँ कि किस तरह से हम शेडिंग देंगे। ये ऑरेंज कलर, ये डार्क कलर से हमने देखिए गौर से देखिए किस तरह से हम लाइन्स कर रहे हैं। पत्तियों की शेप जो है ना, वो हमने बढ़ानी नहीं है, ना लाइन से बाहर हमने निकालना है, सिर्फ शेडिंग बारीक बारीक सी, सिर्फ लाइंस जो है ना वो नीचे से आपने ऊपर लेकर आनी है और ऊपर से दूसरे कलर को नीचे लेकर आना है। आप लोगों को याद है मैंने आप लोगों को टेक्सचर ट्री करवाया था, ये उसी तरह की शेडिंग है, ठीक है। उसकी लीव्स हमने जैसे बनाए थे, देखिए इसको मैं आपको बताती हूँ। एक रैंडमली सा मैंने फ्लावर ड्रॉ किया, ठीक है। अब फ्लावर ड्रॉ करने के लिए कोई से भी दो कलर लेंगे, उस पर शेडिंग करेंगे। एक कलर जो है वो हम अंदर से बाहर करेंगे और दूसरा जो शेडिंग है वो उसकी आउटलाइन बना के हम बाहर से अंदर की तरफ रखेंगे। उसकी शेडिंग इस तरह से हम लाइन्स करेंगे। ये देखिए, बिल्कुल इक्वली लाइन्स नहीं करनी है आप लोगों ने। ये आपने अंदर से पेंसिल की लाइन्स आपने बिल्कुल बाहर की तरफ, आपने पेटल की तरफ, ये आपने इस तरह से कर रही है, देख रहे हैं ना आप लोग जी। अब इसके बाद में इसकी आउटलाइन करेंगे दूसरे कलर से और इस कलर को फैला देंगे। पेंसिल का शार्प होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसकी नोक से आप लोगों ने शेडिंग करनी है, ठीक है। ये देखिए कितने अच्छे शेड्स आ रहे हैं ना। इसी तरह कलर भरने नहीं है, आपने लाइंस करनी है, दो कलर से करने, ठीक है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो चाहिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।